गुड मॉर्निंग, मैं हूँ राजेश कुमार। हमारे सवाल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है, क्या क्वेश्चन है, a बराबर अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 12 तथा b बराबर अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 12 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन को SSC के प्रीवियस ईयर 2010 से लाया हूँ। इस क्वेश्चन को बहुत स्टूडेंट ने हल किया पर हल नहीं कर पाया। तो क्या आप हल करने के लिए तैयार हैं? तो देख चलिए, मैं आपको भी एक मिनट का समय देता हूं, तो इस क्वेश्चन को हल कीजिए। तो देखिए, अब हमको मान क्या ज्ञात करना है, किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो देखिए, पहले ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फार्मूला एक होता है, क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्ट में a प्लस बी। ठीक, अब यहाँ पर हमको देखिए, अगर इससे हम a प्लस बी और ab का मान ज्ञात कर लें तो हम इसका मान ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए, a बराबर क्या है, c1 प्लस 2 अंडर रूट 12। तो अब हमको इसको पूर्णवर्ग बनाना है, तो पूर्णवर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, पूर्णवर्ग बनाने का मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको बनाना है। ठीक, तो वो इस फॉर्म में बनाने के लिए, तो देखिए 7 को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू ए बी होता है, तो 2 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि हम इसको देखिए, जिसे अंडर रूट 12 है, अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, इसलिए इसके जगह हम क्या लिखे हैं, इतना 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या बन जाएगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर, मतलब कि एक जगह 2 और b की जगह कितना है, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो मतलब कि हमारा a बराबर क्या आया, 2 प्लस अंडर रूट 3, क्योंकि वर्ग हो गया है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये a बराबर हमको प्राप्त हो गया। तो अब हमको इसी प्रकार क्या करेंगे, अब b का मान ज्ञात कर लेंगे, तो क्या होगा, b बराबर क्या दिया है, 7 माइनस 2 अंडर रूट 12। अब इसी प्रकार वो भी कर लेंगे, क्या 7 को लिख सकते हैं, 4 प्लस 3, ठीक, 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, फिर प्लस, नहीं यहाँ पर माइनस होगा, ठीक, अब क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3, ठीक, ये अंडर रूट में ये हो गया। तो अब देखिए इस फॉर्म में लिखना है, तो देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया, ठीक, और ये अंडर रूट 3 है तो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में, ठीक, तो ये अंडर रूट है, ये स्क्वायर है, तो मतलब कि b बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक, ये हो गया, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे कि अब हमको a प्लस बी और ए बी, ठीक, तो ये हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, तो आगे देखिए क्या है। तो अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, a प्लस बी का हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब a बराबर क्या है, ये है, b बराबर क्या है, ये है, मतलब कि a प्लस बी करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो गया, मतलब ये दोनों जुड़ गया, 2 प्लस 2 कितना हुआ, 4, ठीक। और अब हमको ए बी ज्ञात करना है, ठीक, ए बी मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो एक क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो मतलब कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो मतलब 2 × 4 मतलब कि 4 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग मतलब 3, ये कितना हुआ, ए बी बराबर कितना हो गया, 1।
तो देखिए अब हमको ए बी ए प्लस बी का भी मान मालूम चल गया और ए बी का भी मान मालूम चल गया। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, अब ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस मान में रख देंगे तो हमको मान मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए एक मान रख के आपको बताते हैं, ठीक ठीक। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब फोर का क्यूब, ठीक, माइनस थ्री इंटू ए बी का मान वन, थ्री कोस्ट में ए प्लस बी का मान फोर, ठीक। तो ये कितना हुआ, चार चौको सोलह चौको चौसठ, माइनस ये कितना हुआ चारते बारह, ठीक, घटा हुआ कितना हुआ बावन, मतलब कि हमारा कितना आया ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बावन आया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।